ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूं ताहिरा रुबाब। मैं एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। और बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे लोगों के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को डील करते हुए और उनको हेल्प करते हुए। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है औरतों की सेक्सुअलिटी और उनके बॉडी में आने वाले चेंजेस आफ्टर सेक्स। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आके इसके बारे में सवाल करते हैं कि जी बॉडी में ये चेंज आ गया, वो चेंज आ गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और आप पार्टनर को भी आप उतने ज़्यादा अपील नहीं करते हो जितने ज़्यादा आप पहले उसको अपील करते थे। और अब वो बॉडी के चेंजेस क्या हैं आपके लिए। बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो आदमी और औरत दोनों को डिफरेंट तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दोनों सिमिलैरिटी के साथ जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। दोनों के लिए ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और दोनों के लिए इसका मतलब भी बहुत डिफरेंट है। मसलन आदमियों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इट इज़ मोर ऑफ फिज़िकल सेटिस्फेक्शन। बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जिनको इमोशनल कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और वो इमोशनली भी इसको इंजॉय करते हैं। मगर मोर और लेस एवरी वुमन जो होती है, हर खातून जो होती है, उसके लिए इमोशनली कनेक्ट करना अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती तो फिर वो सेक्सुअली भी कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके लिए खुशबुएं, उनके लिए आप पार्टनर का रोमांटिसाइज करना, उनको तारीफ़ करना, उनको सराहना और फोर प्ले ख़ास तौर पे यानी अपनी पार्टनर को तैयार करना, ये बहुत बहुत की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं औरतों के लिए। अगर औरतों को ये चीज़ें ना दी जाएँ और डायरेक्टली उनके साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है स्टार्ट कर ली जाए तो औरतों का माइंड जो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता और वो फिर उसको ना तो इंजॉय कर पाती हैं और ना ही अपने पार्टनर का उस तरह से साथ देती। और वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी उनके लिए एक जो है एक अवर्जन बन जाती है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें उनके लिए तो कुछ नहीं, उनके पार्टनर के लिए सारा कुछ है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सेक्सुअल एक्टिविटी में जो फीमेल्स के ऊपर सबसे पहले यानी जो इफेक्ट होता है वो फिजिकल इफेक्ट से ज्यादा तो जो है वो उनको मेंटल इफेक्ट जो होता है। बिकॉज अगर उनका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग रहा है, लविंग रहा है और रोमांटिसाइज किया उसने चीज़ों को और वो अपनी फीमेल की नीड के अकॉर्डिंगली उनके साथ चलता रहा है तो उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत प्लेजरेबल है और वो मेंटली बहुत पुरसकून रहती हैं और वो बेहतर तौर पे चीज़ों को जो है वो करती हैं और उनका कनेक्शन जो है इस एक्टिविटी के साथ वो बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। मगर अगर जो है यानी वो यानी मेंटली उनको कनेक्ट नहीं किया गया या इमोशनली उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया और सिर्फ फिज़िकली जो है चीज़ों को देखा गया तो फिर उनके लिए इस चीज़ को उस तरह से कंसीव करना या उस चीज़ के साथ अपना एक कनेक्शन बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव कनेक्शन यूजली जो है वो बन जाता है अगर सिर्फ डायरेक्टली या फिज़िकली जो है औरतों को इस एक्टिविटी में जो है वो लेके जाएँ तो। सो यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो औरतों को इमोशनली और मेंटली ज़्यादा इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस तरह से करती है कि जब भी कोई यूजली मैं देखती हूँ मेरी क्लाइंट्स जो फीमेल्स आती हैं उनकी तरफ से ये चीज़ आती है कि जी सेक्सुअल एक्टिविटी से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आदमियों की ज़रूरत है, उनको करना चाहिए, उन्हीं की ज़रूरत होती है, हम उन्हीं की ज़रूरत जो है वो पूरी कर रहे हैं। What do you mean? यानी ये बिल्कुल इक्वली जो है वो औरतों की भी ज़रूरत होती है और मर्दों की भी ज़रूरत होती है। और जो फिज़िकल चेंजेस औरतों में आते हैं जैसे बहुत सारे हार्मोनल जो है चेंजेस औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। मसलन औरतों के पीरियड्स जो हैं समटाइम्स जो हैं वो रेगुलरेट होना शुरू हो जाते हैं, औरतों के चेहरों पे जो हार्मोनल एक्नी आ रही होती है वो मैनेज होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स फीमेल्स इनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस जो उनका नहीं हो रहा होता हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अगर वो एक अच्छी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ रखे हुए होती हैं तो उनकी वो पीरियड्स वाला जो एक प्रॉब्लम है या पीसीओएस वाला जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है और वेट जो है हार्मोनल वेट जो है यानी हार्मोन्स की वजह से इम्बैलेंस की वजह से जो वेट उनका इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ होता है वो वेट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेट मी टेल यू वन फैक्ट अबाउट दिस कि जहाँ हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ आदमियों की ज़रूरत है, ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ कि आदमियों की ज़रूरत सिर्फ फिज़िकल हद तक या उनके मूड की हद तक बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट ये औरतों की ज़रूरत आदमियों से भी ज़्यादा है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे
हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो कि औरतों को हो रहे होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलराइज करने की वजह से वो सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, औरतों का मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है, उनकी फिज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। और जैसे मैंने कहा कि आपका वेट अगर नहीं कम हो रहा तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर वो वेट नहीं कम हो रहा तो वो वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ जब आप लंबे टाइम के लिए सेक्सुअल एब्सिनेंस में रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। बट वो लोग जो कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं उनके हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं, उनका मूड भी बहुत अच्छा रहता है और उनकी फिज़िकल हेल्थ जो है वो भी बहुत जो है बेहतर, यानी एक्टिवनेस उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही होती है। ये तो एक आस्पेक्ट है। देर इज़ एन अदर आस्पेक्ट, बहुत सारी फीमेल्स जो कि मे बी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ, क्योंकि हमारे मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं कि जी इट्स अ वेट इंक्रीज़ हो जाता है, ये होता है, वो वेट एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है या आपकी डाइट के साथ होता है, आपकी डे एक्टिविटी के साथ होता है, या फिर आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसके साथ जो है वो होता है। सो यू नीड टू थिंक ऑफ कि एक्चुअली क्या होता है। इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी जो है फिज़िकली औरतों को बहुत ज़्यादा इस तरह से भी इफ़ेक्ट करती है कि जब आपके हार्मोन बहुत बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो जो हेयरी बॉडी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है समटाइम्स औरतों की, वो भी जो है वो ड्रॉप, उसमें कमी हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो है उनका जो एक्चुअली जो है जो जिसको आप कहते हैं कि निस्वानी हुस्न जो होता है, जो फेमिनिस्टिक ब्यूटी होती है एक्चुअली औरतों की, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाता है। सो हार्मोन्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ आपकी सेक्सुअल नीड्स को पूरा नहीं करती, बल्कि ये आपकी बहुत सारे ऐसे फिज़िकल जो नीड्स होती हैं जिनमें हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मूड है, आपकी मेंटल एक्टिविटी है, आपका फ़िज़िकल एक्टिव होना है, ये सारी चीज़ों को जो है वो इस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करती है। सो इसका कनेक्शन जो है ये डायरेक्टली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी और मेंटल हेल्थ के साथ भी है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको हेल्प कर पाएगा अंडरस्टैंड करने में कि ये सिर्फ आदमियों की ज़रूरत नहीं है, ये आदमियों से ज़्यादा औरतों की ज़रूरत होती है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ नॉर्मल हो जाती हैं औरतों के लिए, अगर वो रेगुलरली इस एक्टिविटी को करें।